दिनांक 26/7/2024 को आर्यन इंटरनेशनल स्कूल बुद्धि विहार में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा रामायण बालरंग उत्सव का शुभारंभ विद्यालय के निर्देशक श्री राहुल रस्तोगी, विशिष्ट अतिथि श्री नीरज गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार झा जी एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल के द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। छात्रों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर वातावरण को राममय करते हुए छात्रों के द्वारा नृत्य प्रस्तुति दी गई। तदुपरांत दो उभरती हुई प्रतिभा बंडर गर्ल श्रेया एवं रिद्धि ने सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं पर शानदार नृत्य प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर विद्यालय के निर्देशक श्री राहुल रस्तोगी द्वारा नगद धनराशि एवं श्री नीरज गुप्ता द्वारा चांदी के सिक्के भेंट करके पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार झा ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्रों का प्रोत्साहन करते हुए उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि अगर हमें कलयुग को त्रेता युग में बदलना है तो छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान से परिचय कराते हुए रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन कराना होगा, जिससे छात्रों के अंदर राम के जैसे मर्यादा और सीता के जैसे चरित्र का निर्माण हो, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पंकज दर्पण एवं मंजू सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आज किस विद्यालय में क्या कार्यक्रम कराया गया है? आज आर्यन इंटरनेशनल स्कूल मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 16 विद्यालय के 64 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं। आज का जो विषय है और टॉपिक जो है वो रामायण ही है, रामायण से संदर्भित है, और इसमें 2 वर्गों में बच्चे हैं, 6 से 8 और 9वीं से 12वीं के बच्चे। आज बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग कंपटीशन जो है, चित्रकला प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है, ये जिसमें कि इस कार्यक्रम का जो की शुरुआत हुई थी वो स्वागत गीत से हुई थी, और उसके बाद स्वागत नृत्य हुआ। स्वागत नृत्य के बाद रामायण विशेष के ऊपर में बहुत सारे कल्चरल आइटम्स प्रेजेंट किए गए, और इस कार्यक्रम को एक रूप देने के लिए जो मुरादाबाद के बड़े प्रसिद्ध विख्यात स्टेज आर्टिस्ट हैं, जो रंगमंच के मालिक ही कहा जाए उन्हें, डॉक्टर पंकज दर्पण जी, जो कि एक मुरादाबाद शैली की रामलीला के लिए विश्वविख्यात हैं, वो संयोजक हैं, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम में प्रत्येक ग्रुप से 3 बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे, और 2 कंसोलेशन प्राइज भी होगा। इसके अलावा कल जो बच्चे प्रतिभाग करेंगे वो इवेंट होगा रूप सज्जा, यानी आपको जो फैशन होता है, लेकिन इसमें जो थीम है वो थोड़ा सा वही है, जो चूँकि ये वैदिक है, रामायण से संबंधित है, तो रूप सज्जा भी राम के या रामायण के जितने पात्र हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं पे आधारित रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जो जिस तरह से बच्चों ने प्रस्तुति की थी सुबह में, वातावरण बिल्कुल राममय हो गया था। जो भी वहाँ थे, जिन्होंने जो भी इस इवेंट को जिन्होंने विटनेस किया, वो बिल्कुल इतनी मंत्रमुग्ध हो गए थे, जो कि स्वयं में अपने आप को भी नहीं रोक पाया। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई बच्चों की, खास करके दो लड़कियाँ थी जिन्होंने रामायण के ऊपर में इतनी अच्छी प्रस्तुति की। जब मुझे पता चला कि वो YouTube पे भी फेमस हैं और वो लड़की सीख रही है, मुरादाबाद से ही है, तो मैं स्वयं उसको
अपने को रोक नहीं पाया और बच्चे को स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। उसके साथ जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जी थे, श्री नीरज गुप्ता जी जो नोजगे के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी पारितोषिक के रूप में चांदी के सिक्के दिए। और आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल के जो निदेशक साहब हैं श्री राहुल रस्तोगी जी, उन्होंने भी पुरस्कार के रूप में 2100 रुपये की राशि भेंट की। जो एक मंच दिया गया है, जिस जो माध्यम हमारे दर्पण जी रहे हैं, मुझे लगता है जो संस्कृति विभाग का, उत्तर प्रदेश सरकार का की जो मंशा रही है, जो अपेक्षा रही है, या जो एक विजन एक एम रहा है, वो मुझे लगता है कि जो लोगों में पूरा होगा। और उसके साथ साथ जिस एज में इन तरह की भावनाओं को, आध्यात्मिक भावनाओं को, ये कोई धार्मिक शो नहीं था, ये आध्यात्मिक शो है, स्पिरिचुअल, इसमें कोई धर्म जाति इससे कोई संबंध नहीं रखता। बच्चों में अच्छे संस्कार, प्रत्येक बच्चों में राम का गुण होना चाहिए, लड़कों में, लड़कियों में सीता के जैसे गुण होने चाहिए। इन तरह की चीज़ों को बच्चों को जब छोटी छोटी उम्र में ही हम डालते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो जो बहुत सारी समस्याएं हमें आती हैं, सामाजिक समस्याएं होती है, और वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं जो, और जो उत्तर प्रदेश सरकार का भी जो एक लक्ष्य रहा है, जो हम अगली जनरेशन को हम ऐसा बनाएं जिसमें कि ये सारी जो आजकल जो घटनाएँ होती हैं वो बच्चों के मन में भी ना आए। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन में आए, ना वचन में आए, ना कर्म में आए, सब परिशुद्ध हो जाए, यही मकसद रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे कार्यक्रम के द्वारा हम एक अच्छे समाज का सृजन कर पाएंगे, जिसकी कल्पना जो हमारा समाज है और जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये मकसद पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है।